जाजपुर जिला सुकिंदा दामोदरपुर रे उद्यान विभाग पक्षर होइतबा देशर सर्वबृहत पिजुली फार्म को नहीं देखा देछि विवाद। एहा जंगल जमीरे होइतबारु उक्त पिजुली फार्म को नष्ट करी सेठारे औषधीय किंबा जंगलजात गच्छ लगाइबा को एनजीटी निर्देश देछन्ती। सेपटे एही राय आसीबा एहा को साधारण असंतोष देखा देछि। उद्यान विभाग को 1992 मसिया रे राजस्व विभाग 327 हेक्टर चाष जमी हस्तांतर करथिला। एठी जंगल विभाग जमीर कोनोसी प्रासंगिकता नाही एवं न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति एनजीटी को भूल तथ्य देथिबा कहिसंती उद्यान विभाग रो सहकारी निर्देशक। देखिबा जी ओडिसा रो स्वतंत्र रिपोर्ट। सुकिंदा दामोदरपुर रे उद्यान विभाग पक्षरु होइतिबा पिजुली फार्म को आपत्ति जणाइचंती जातीय ग्रीन ट्रिब्युनल बा एनजीटी। 500 एकर ऊर्ध्व जमीरे होइतिबा पिजुली फार्म रो भविष्यत को नै देखा दैछि संदेह। यहा जंगल जमी में होता एनजीटी रे स्थानीय बासिंदा तपन कुमार बराल अभियोग करथिले। एनजीटी मामला सुनानी करी तुरंत पिजुली फार्म को बंद करने सहित राज्य सरकार को 1 कोटी टंका जरिमाना पैठ करने को निर्देश देते। एही राय आसीबा परे भारत सर्वबृहत पिजुली फार्म रो भविष्यत को नहीं चिंता प्रकट कर। आज जो विजुड़ी बसि जहाँ छाट बाजि से एडीएच महोदय संपूर्ण ही दायी। आज जी जो राज्य सरकार जो राजकोषर जो 1 कोटी टंकार सर्वसाधारण पैसा उपर भार पड़ से भी से एडीएच दायी। राज्य सरकार नपड़ी से एडीएच उपर 1 कोटी भार पड़ा दरकार था कारण सर्वसाधारण पैसा जो 1 कोटी टंका आज आईन तक मानने दिखाई जोरीमाना से जोरीमाना से गवर्नमेंट लॉस हो सर्वसाधारण पैसा लॉस हो एडीएच जाए कहारी असुविधा हवा उचित नुह कहीं भी विरोध करवा उचित नुह। एटा गोटे सकारात्मक कार्य लोक मानक उपार्जन क्षम करने सरकार गोटे सुचिंता तेणु एटी जो मैंने विरोध कर एनजीटी को जाने बोधे निजे व्यवहार करुवा निजे अनधिकार कर जमी अधिकार कर लोक मान स्वार्थर बाधा आसी तेणु यह आम घोर विरोध कर। सुकिंदार दामोदरपुर ठारे 1948 मसीहारु एक सरकारी बिहन फार्म चली आसुची। 1992 मसीहारे राजस्व विभाग उद्यान विभाग को 327.6 हेक्टर चाष जमी हस्तांतर करिथिला। एहा परठारु उद्यान विभाग विभिन्न फल चाष और औषधीय चाष करुथिला किंतु 1999 मसीहा महाबात्यारे सबु फसल नष्ट होइ जाइथिला। एहा परे सुकिंदा विधायक और जिला प्रशासन उद्यम क्रमे जिला खनिज पांठिरु 5 कोटी टंका व्ययरे एठारे 357 एकर जमीरे पिजुली चाष करा जायछि। एबे पिजुली फळीबा आरंभ कलानी 2023 मसीहा सुद्धा वार्षिक 2.5 कोटी टंका उद्यान विभाग लाभ करिबाकु लक्ष्य रखिछि। एथिसहित प्रतिदिन 500 श्रमिक काम पाइबे। जब भी ऑनरेबल एनजीटी जो भी डायरेक्शन अच्छे आम से फॉलो करेंगे जो डायरेक्शन से देखे आम दुईटा तीन टा पॉइंट अच्छे एज पर द ऑर्डर ऑफ दैट से आम कंप्लाय करेंगे जो भी अच्छे व्हाट एवर डायरेक्शन आमको आसूँ एनजीटी इज द फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करेंगे तो तांकर जो डायरेक्शन आमको आसला सिटी कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करवाई लोकेशन मूव करवाई तो दोज ऑर्डर्स विल बी कंप्लाइड शॉर्टली एज पर द गिवन टाइमलाइन। ये गोटे भित्तिहीन कथा जोटा कि भारत वर्षर बड़ पिजुली फार्म जिला प्रशासन उद्यान विभाग सहयोग रे सुकिंदा दामोदरपुर हवाकू जाऊँगी एवं हबार मुख्य उद्देश्य हूँ 1948 मसीह सेठी से जगह को कृषि विभाग को रेवेन्यू विभाग देखिए सीड फार्म उद्यान विभाग फार्म दिखाई 1992 मसीह उद्यान विभाग को 327.6 हेक्टर र जगह हैंड ओवर करा जाइछि तार मध्य रेकर्ड मध्य आम पाखरे अछि एवं से हैंड ओवर रो आधार रे सेथिरे ऑयल पाम काजू प्लांटेशन आंब अंला पिजुली एम सब प्लांटेशन मध्य करा हेतला। गोटिए पटे पिजुली फार्म जमी को एनजीटी जंगल विभाग रो कहुतबा बेले अन्य पटे दीर्घ वर्ष धरि दखल करूछि उद्यान विभाग। एहा भितरे एनजीटी को निर्देश कार्यकारी करबाकु जाय पिजुली फार्म को बंद करा गले अनेकंक भविष्यत कौन हेबो ताहाकु अपेक्षा।
ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପିଜୁଳି ଫାର୍ମକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବେ ବିବାଦ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ଫାର୍ମ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫାର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଜମି 1992 ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜମିର ମାଲିକ କିଏ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଏବେ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯଦି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯଦି ଫାର୍ମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ରାୟ, ଜିମ୍।